पुणे वनडे में टीम इंडिया के रिकॉर्ड जीत, इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने पहले खेलकर बनाए 350 रन, 11 गेंद बाकी रहते टीम इंडिया ने हासिल किया लक्ष्य। केदार जाधव बने मैन ऑफ द मैच, 76 गेंदों में बनाए 120 रन। 120 रनों की पारी में जाधव ने जड़े 4 छक्के और 12 चौके भी जमाए। कप्तान कोहली ने की जाधव की तारीफ, कहा उनके कुछ शॉट्स देखकर मैं भी आश्चर्यचकित। कप्तान कोहली ने भी मचाया धमाल, 105 गेंदों पर बनाए शानदार 122 रन, वनडे में 27वां शतक। धोनी की मौजूदगी में पहली बार वनडे की कप्तानी कर रहे थे विराट, 122 रनों की पारी में जड़े दमदार 5 छक्के। हार्दिक पांड्या ने बनाए 40 नाबाद रन, गेंद से भी झटके 2 विकेट। इंग्लैंड की ओर से 3 बल्लेबाजों ने बनाया अर्धशतक, जो रूट के सर्वाधिक 78 रन। 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे, अगला मैच 19 जनवरी को कटक। कांग्रेस के पिच पर बल्लेबाजी करेंगे सिद्धू, अमृतसर सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, 19 जनवरी को करेंगे रोड शो। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात, बीजेपी बोली पसंद अपनी अपनी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिद्धू का पहला बयान, बोले नई पारी की हुई शुरुआत, पंजाब पंजाबी और पंजाबियत का जीतना जरूरी। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर के साथ होगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन अमरिंदर ने फिर दोहराया, सीएम बादल के खिलाफ लड़ना चाहता हूं चुनाव, पार्टी के आलाकमान पर छोड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए उपकार सिंह संधु को बनाया अमृतसर से उम्मीदवार, 4 फरवरी को होगा मतदान। 61 साल की हुई मायावती, कार्यकर्ताओं से कहा नोटबंदी के दौर में जरूरतमंदों की आर्थिक मदद कर मेरा जन्मदिन कल्याणकारी बनाए। मायावती का अमित शाह पर सीधा वार, बोली अगर पार्टी अध्यक्षों की संपत्ति जानने में दिलचस्पी तो सदन में उठाए मुद्दे। इससे फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं व उनके परिवार की भी संपत्ति का खुद ही खुलासा हो जाएगा। मायावती ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला, बोली विदेशों से काला धन लाने के वादे समेत 1/4 वादे भी अब तक पूरे नहीं किए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में गठजोड़ का आरोप, का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की हो रही है कोशिश, सर्जिकल स्ट्राइक नाटकबाजी। बीएसपी ने शुरू किया डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया पर कैंपेन के लिए ऑडियो वीडियो सीडी का लिया सहारा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के जन्मदिन में 5 कालिदास मार्ग में जश्न, भारी संख्या में उमड़े कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। झगड़े के बीच शिवपाल यादव ने उत्तराखंड में 26 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लिया फैसला। समाजवादी पार्टी के झगड़े पर आज चुनाव आयोग का आ सकता फैसला, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित था। पश्चिम बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, मजुमदार पर फर्जीवाड़े का आरोप। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की बीएमडब्ल्यू कार से टकराई, किसी के हताहत होने की खबर है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 4 नई टीम का होगा गठन, 4,000 से ज्यादा जवानों को मिलेगी नौकरी। सरकार की सख्ती के आगे अलगाववादियों के हौसले पस्त, प्रत्येक शुक्रवार को हड़ताल के आह्वान के पीछे से हटे। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, जलियांवाला बाग की 100वीं बरसी अंग्रेजों के लिए माफी मांगने का अच्छा मौका है। गांधी पर दिए अनिल विज के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, कांग्रेस ने पीएम मोदी के सूट बूट वाली फोटो संग किया प्रदर्शन। अनिल विज के बयान को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बीजेपी पर ट्वीट, वा लिखा हिटलर और मुसोलिनी भी थे पावरफुल ब्रांड। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अजीत जोगी ने अपनी पार्टी जनता कांग्रेस जेके लिए मांगा वोट, मोदी और रमन सरकार पर किया वार।
दिल्ली के कई इलाकों में हो सकता है पेयजल का संकट। सेंट्रल लिंक कैनाल में लीकेज के चलते अमोनिया का स्तर बढ़ा, पानी सप्लाई रोकी गई। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कमेटी की बैठक में पीएम हुए शामिल, 5 राज्यों के चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट पर माथापच्ची। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बयान का सिंध और कराची के बिना भारत अधूरा है। लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात 8 घंटे बाद शुरू, रडार खराब होने की वजह से उड़ान प्रभावित। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भगदड़, 6 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। मकर संक्रांति के मेले में जुटी थी हजारों की भीड़। भगदड़ में मरने वालों के परिवार वालों को पश्चिम बंगाल सरकार ने दिए 5 लाख, तो केंद्र सरकार ने 2 लाख का मुआवजा दिया। पटना में नाव हादसे में अब तक 25 मौतें, एम्यूजमेंट पार्क और नाव ऑपरेटर पर केस दर्ज। नाव हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवारों के साथ व्यक्त की संवेदना। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख, लिखा गंगा में नाव डूबने की दुखद घटना से आहत हूं। हादसे पर शुरू हुई सियासत, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार, मांगा इस्तीफा। सुशील मोदी ने खराब स्टीमर का उठाया मुद्दा, बोले डीजीलैंड का हवाला देकर सरकार छिपा रही अक्षमता, बंद था डीजीलैंड। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद आंध्र प्रदेश में जलीकट्टू के दौरान सांडों की दौड़ में खतरों से खेले लोग, सीएम चंद्रबाबू नायडू के गृह जनपथ में दिखा हैरान करने वाला नजारा। मदुरई के पराई पट्टी में जलीकट्टू के दौरान सांडों की हुई जोर आजमाइश, कई लोग घायल हुए। मदुरई के पालामेदू में भी सांडों के साथ लोगों ने उठाया जोखिम, मूक दर्शक बने रहे पुलिस। जलीकट्टू में सांडों के साथ लड़ाई के समर्थन में म्यूजिक एल्बम लॉन्च, टक्कर टक्कर गाने के निर्माताओं ने संस्कृति का बुलंद किया मुद्दा। जलीकट्टू में सांडों के साथ प्रतियोगिता के समर्थन में अपनाए जा रहे तरह तरह के हथकंडे, परंपरा का हवाला देने वालों ने 70 के दशक का वीडियो जारी किया। सेना ने मनाया अपना 69वां स्थापना दिवस, दिल्ली में तीनों सेना अध्यक्षों ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। आर्मी डे पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को चेताया, एलओसी पर नापाक हरकतों का देंगे मुंहतोड़ जवाब। थल सेना अध्यक्ष ने सोशल मीडिया में जवानों की शिकायती वीडियो को बताया गलत, बोले ऐसी हरकतों से सेना का मनोबल गिरता है। स्वर्गीय लांसनायक हनुमंत थापा को दिया गया सेना मेडल, सियाचीन में 35 फीट बर्फ के नीचे 6 दिन तक जिंदगी और मौत से किया था संघर्ष। सेना दिवस पर शौर्य का प्रदर्शन, ब्रह्मोस आकाश जैसी मिसाइलों के साथ T-90 टैंक रहा खास आकर्षण। सेना दिवस पर जयपुर में जवानों ने दिखाया पराक्रम, कमांडो दस्ते ने सर्जिकल स्ट्राइक का किया प्रदर्शन। बीएसएफ और सेना के बाद अब सीआरपीएफ के जवान नीतू सिंह राठौर ने अफसरों पर लगाया संगीन इल्जाम। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़, अनंतनाग के अवूरा गांव में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर का एक आतंकी जिंदा गिरफ्तार, सोपोर पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 42 पैसे और डीजल 1 रुपए प्रति लीटर महंगा। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में मासूमों को निशाने बनाने वाला सीरियल रेपिस्ट, 8 से 10 साल उम्र की बच्चियां रहती थी निशाने पर। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 38 साल के सुनील रस्तोगी नाम के शख्स को दबोचा, सुनील ने 2 साल में करीब 12 मासूमों से दरिंदगी की बात कबूली। केरल के मल्लारपुरम में 50 लाख के नए नोट बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। अलवर पुलिस ने 4 कुख्यात बदमाशों को दबोचा, सभी हत्या, लूट और डकैती जैसे अपराधों के गुनाहगार। जमशेदपुर में परंपरा के नाम पर दिखी बर्बरता, आदिवासी समाज ने करीब 50 बच्चों को लोहे की गर्म छड़ से दागा। चुरू में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग को अगवा कर वारदात को दिया था अंजाम।
भरतपुर में कुएं से मिला 3 दिन से लापता युवक का शव, मंदिर जाते वक्त हुआ था लापता। अमृतसर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। झारखंड के गोड्डा में दवा कारोबारी की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस अब तक खाली हाथ। यूपी के सहारनपुर में बुजुर्ग महिला से झपट मार ने लूटी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के नादिया में भयंकर सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, ट्रक और लॉरी में हुई थी सीधी भिड़ंत। झारखंड के सिंहभूम में नक्सलियों का उत्पात, घात लगाकर किए हमले में 2 लोगों का कत्ल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में महिला को चौकी से बांधकर जिंदा जलाने का सनसनीखेज हादसा, आरोपी महिला का पड़ोसी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 3 नरमुंड मिलने से खलबली, सड़क निर्माण के वक्त मामले का खुलासा हुआ। हरदोई में थाने के अंदर महिला की फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू से अमृतसर मोटरसाइकिल पर जा रहे नौजवान की चाइना मांझे से गला कटने से हुई मौके पर मौत, बटाला के नजदीक हुआ हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रकों को लूटने वाले गिरोह पर पुलिस की नकेल, 2 गिरफ्तार, पुलिस ने लूट कर ट्रक बरामद किया। झारखंड के मधुपुर में 15 साल की लड़की को जिंदा जलाने की खौफनाक वारदात, छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। हाजीपुर के अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रा की मौत की जांच करने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू, छात्रावास की हालत देखकर भड़की। हरियाणा के गोहना में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का आरोपी विक्रम गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। बर्फ की त्रासदी झेल रहे शिमला में आगजनी का टूटा कहर, तंगनू गांव में जले 56 घर। शिमला में कड़ाके की ठंड का सितम जारी, घरों में लटकी दिखी बर्फ की झालरें। करगिल क्षेत्र में भी बर्फ से ढकी नजर आई पहाड़ियां, ठंड से जम गया दरिया का पानी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के चलते जम गई डल झील, शिकारे की सैर की चाहत रखने वाले सैलानी हुए मायूस। झालावाड़ जिले में जबरदस्त ठंड, तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मुंबई में मैराथन का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ाया लोगों का उत्साह। पुरुष वर्ग में तंजानिया के सिंधु और महिलाओं में कितूर पहले पायदान पर। मुंबई में 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन का भी आयोजन, लक्ष्मण ने जीती रेस। बुजुर्ग धावक ने दिए सेहत के टिप्स, बताया ठहाकों में छिपा है अच्छी सेहत का खजाना। मुंबई मैराथन में दिखे तरह तरह के रंग, नगाड़े बजाते दिखी महिलाएं। मैराथन के दौरान बेहोश हो गया एक युवक, एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल।